सो और गाइस कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले वीवो V20 फंड चॉइस 11 की एक स्टॉक थीम। सो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और गाइस वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जो जो लिंक मिल जाती है सभी फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है और गाइस एपीके को इंस्टॉल कर लीजिएगा। सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद गाइस आपको सिंपली होम स्क्रीन पे KWGT का विजेट ऐड कर लेना है, ब्लैंक विजेट। विजेट की साइज गाइस आपको 1x1 रखना है, देन आपको इसको रिसाइज करके होम स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट हो जाए उस तरह का रख लेना है। अब आपको सिंपली इस पर टैप करना रहेगा। टैप करने के बाद आपको सभी परमिशन मांगेगा, तो आपको सभी परमिशन देने ना अलाउ कर लेना गाइस। एंड गाइस अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको इस पर फाइल मेजर के आइकन पर टैप करना है, देन गाइस आपको जाना है डाउनलोड में। आपको जहाँ ये फाइल रखी थी गाइस, जो बैकअप मतलब KWGT का विजेट था, वो आपको अप्लाई कर लेना है। अब गाइस आपकी लोकेशन की प्रॉब्लम रहेगी तो गाइस आपको यहाँ पर टैप करना है। यहाँ पर गाइस जो डॉलर का निशान है गाइस, डॉलर के निशान तक आपको डॉलर के निशान तक गाइस पूरा हटा देना है। देन आपको अपना लोकेशन ऐड कर लेना है गाइस, जो भी आप नॉर्मली रहता है गाइस। फिर आपको यहाँ पर टिक लगा देना है गाइस। अब आपको सेव कर लेना है और यहाँ पर गाइस पोजिशन भी आप सेट कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमारा विजेट एडजस्ट हो चुका है। अब आपको पावर शेयर एप्लीकेशन ओपन करना है। पावर शेयर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको जाना है एक्स्ट्रास में गाइस। अभी कोई परमिशन मत दीजिएगा, एक्स्ट्रास में जाके गाइस यहाँ पर आपको बैकअप एंड रिस्टोर पे टैप करना है। देन आपको बैकअप पे टैप करना है। परमिशन देने के बाद गाइस कोई भी नाम देके बैकअप कर लीजिए ताकि आपको फोल्डर क्रिएट करने ना पड़े। अब गाइस आपको जाना फाइल मैनेजर में, जो कि गाइस मैंने एक XML करके गाइस बैकअप करके फाइल दी थी, आप उसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद गाइस आपको जाना है डिवाइस स्टोरेज में। देन गाइस आपको जाना है डिवाइस स्टोरेज में जाने के बाद गाइस आपको पावर शेड बैकअप पे पेस्ट कर लेना है ये फाइल XML वाली। तो गाइस अब आपको पावर शेड एप्लीकेशन अगेन ओपन करना है। देन गाइस आपको जाना है एक्स्ट्राज में। अब आपको रिस्टोर पे टैप करना है। रिस्टोर पे गाइस आपको यहाँ पर नाम दिख जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना गाइस, इसकी सभी परमिशन दे देना गाइस, एक्सेसिबिलिटी को छोड़ के गाइस सभी आपको परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद आपको ये बैकग्राउंड से हटा देना है गाइस, जो आपको लॉक आइकन दिख रहा है गाइस, मतलब कि जो आपको लॉक लगा देना गाइस, वरना ये बैकग्राउंड से हट जाएगा परमानेंटली गाइस। इसलिए ये परमानेंट वर्क करने के लिए आपको लॉक आइकन लगा देना। लॉक आइकन लगाने के बाद गाइस आपको जाना सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद जनरल में, एंड गाइस आपको एक्सेसिबिलिटी फाइंड करना है। एक्सेसिबिलिटी में पावर शेड एप्लीकेशन को इनेबल कर लीजिएगा गाइस, ताकि ये परमानेंट आपके डिवाइस में सेट हो जाए। अब गाइस देख सकते हैं ऊपर से आप गए वीवो V20 फंड चॉइस 11 की तरह गाइस आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस ठीक ठाक है गाइज। मुझे पसंद नहीं आता लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड वाला, लेकिन गाइज आपको पसंद आता है तो आप इसे ऑब्वियसली इंस्टॉल कर सकते हैं। अप्लाई तो कर लिया गाइज, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है गाइज कि कुछ टॉगल्स वर्क नहीं करते। तो गाइज सिंपली आपको जो टॉगल वर्क नहीं करते उस पर टैप करना है। जैसे गाइज मेरे में डार्क थीम नहीं, तो गाइज तो आपको इसमें ओपन हेल्पर में टैप करना है। अब आपको यहाँ पर गाइज जो कि नाम है उसका नाम, आपको सिस्टम में जो भी नाम है वो लिख देना है गाइज, उसका नंबर लिख देना है, देन आपको बैक आ जाना है गाइज। तो आपका ये परमानेंटली काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा गाइस। तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ये कंट्रोल सेंटर। अगर आपको थीम डाउनलोड करना नहीं आता या आपको थीम अप्लाई करना नहीं आता, तो आपको दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाके आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको V20 की सेकंड वर्जन थीम चाहिए तो गाइस 2 दिन और वेट कर लीजिएगा, वो भी आपके सामने आ जाएगी गाइस, क्योंकि थोड़ा काम बाकी रह गया था तो गाइस आज नहीं दे पाया, सॉरी गाइस उसके लिए।
आज के थीम के पासवर्ड में आपको 64 लिख देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रही कहीं से भी, तो गाइज प्लीज़ एक लाइक कर देना। गाइज मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।